बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आएँ चलते हैं हम मॉइस्चर हैमल की क्लास में, और उनका जो लास्ट लेसन है अपने स्टूडेंट्स के लिए, हम भी ज़रा उससे इस्तफादा हासिल करते हैं। तो क्या कह रहे हैं मॉइस्चर हैमल? माई लास्ट फ्रेंच लेसन एंड आई स्कार्सली न्यू हाउ टू राइट। आई शुड नेवर लर्न। माई एजुकेशन मस्ट बी कट शॉर्ट। How I grudged at that moment every minute I had lost, every lesson I had missed for the sake of hunting birds' nest or making sights upon the sword. And those books which a moment before were so dry and dull, so heavy to carry, my grammar, my Bible history, seem now to wear the faces of old friends whom I could not bear to bid farewell. It was with them as with Monsieur Hamel, and thought that he was about to leave, that I should see him no more, made me forget all the blows of his ruler and many punishments I had received. तो यहाँ पर अब जो राइटर है या लिटिल फ्रेंड्स की शक्ल में वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि ये मेरा फ्रांसीसी ज़बान का एक आखिरी सबक था, और मैं बमुश्किल जानता था कि मैं कैसे लिखूं, या मैंने लिखना सीखा ही नहीं था कभी। मैंने तो अपनी तालीम वैसे ही छोड़ दी थी, अधूरी छोड़ दी थी, और मुझे बहुत ज़्यादा हसरत महसूस हुई, रिग्रेट महसूस हुआ हर हर उस मिनट पर, हर उस लम्हे पर जो मैंने वेस्ट किया था, ज़ाया कर चुका था। जब मैं परिंदों के घोंसलों में से पकड़ने के लिए जाता था, या दरिया जो था इस दरियासार, ठीक है, उस पर खेलने जाता था, ठीक है, मुख्तलिफ जो उस पर फिसलने के लिए बच्चे खेल खेलते हैं, उस पर फिसलने की खातिर खो दिया। और वो किताबें जो एक लम्हे पहले इतनी खुश्क और बेजारकुन थी, यानी उनसे मैं बोर हो जाता था, मुझे बहुत बुरी लगती थी, जैसे आप लोग सब लोगों को सिलेबस की किताबें लगती हैं, और मुझे उठाने में बहुत भारी लगती थी। लाइक जैसे मेरी ग्रामर की किताब हो गई, मेरी इंजील की, जैसे हम लोग इस्लामियात पढ़ते हैं तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, तो वहाँ पे ज़ाहिर है तारीख़ इंजील, ठीक है, बाइबल। और अब पुराने दोस्तों के चेहरे टन लगी, यानी मुझे ऐसे लगा कि ये किताबें वो जो मुझे पहले बोरिंग लगती थी, मुझे लगा कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यानी उनके अंदर मुझे अपने फ्रेंड्स की शक्लें नज़र आने लगी, जिन्हें मैंने अभी अलविदा कहना था। और ये उनको मैं अलविदा कहना मैं कंट्रोल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, यानी एकदम से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई लास्ट लेसन का सुन के। और जैसे मिस्टर हैमल के साथ था, वही ख्याल इन किताबों के साथ भी था, ठीक है, ये ख्याल कि उस्ताद साहब, यानी कि जो हमारे टीचर हैं, वो भी अब जाने लगे हैं और फिर मैं उन्हें कभी नहीं मिल सकूंगा। इसी तरीके से ख्वाह जितना भी उन्होंने मुझे मारा है या डंडे मारे हैं या सजाएं दी हैं, वो मैं भुला चुका था, ठीक है, सिर्फ इस एक खौफ की वजह से कि जी अब मुझे कभी भी उनको दोबारा मिलने का मौका, उनसे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। It was in honor of that last session that he was arrayed in his finest Sunday garb. And now I began to understand why the villagers had gathered at the back of the classrooms. Their presence at such a moment seemed to express a regret that they had not visited that schoolroom oftener. It was their way of telling our master they thanked him for his 40 years of faithful services and desired to pay their respects to the land whose empire was departing. तो अब इस पैराग्राफ के अंदर भी अब वो जो शुरू में बयान करता है ऑथर, कि जो जो मुझे पता चला था कि सारे देहाती आके कमरे में बैठे हुए थे और ये सारी इस तरह की बातें क्यों हुई, और जो टीचर थे वो उन्होंने ऐसे कपड़े उमदा लिबास क्यों जेबतन किया हुआ था, मुझे सब बातों की वजह समझ आ गई थी। जैसे ही टीचर ने रिवील किया कि लास्ट लेसन है, तो अब मुझे शुरू में जो जो उसके माइंड में हैरतें थी और जो जो चीज़ें उसने नोट डाउन की थी, उन सारी चीज़ों का जवाब उसको मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में तो इसने बताया कि उसका दिल कैसा बोझल था, और उसे अब टीचर एकदम से अच्छे क्यों लगने लग पड़े, किताबें क्यों अच्छी लगने लग पड़ी, ठीक है, और उसे अफसोस क्यों हुआ। और अब वो नेक्स्ट पैराग्राफ में इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास जो लोग आके बैठे हुए थे क्लासरूम्स में, वो ऐसे क्यों थे, और टीचर ने उमदा लिबास जो पहना हुआ था वो ऐसा क्यों था, उसकी वजह क्या थी। तो उसकी ट्रांसलेशन देख ले बेटे। पुअर मैन, यानी गरीब आदमी, अपने यानी कि सर के ऊपर उसको थोड़ा सा एक तर्स या एक अंदर से एक ऐसे रहम का जज्बा आया था कि वो अपने आखिरी सबक के एजाज़ में अपने उमदा तरीन इतवार के लिबास में मलबूस है, यानी कि आपने देखा था संडे
को जब जाते हैं अक्सर, जिस हम लोग जुमे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो बिल्कुल तैयार होकर जाते हैं, जैसे संडे स्पेशल उनका इबादत का दिन है तो उसमें जो बेहतरीन लिबास पहन के जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर उन्होंने इसके साथ रिलेट किया कि अपने उमदा तरीन इतवार के लिबास में मजबूत से टीचर, क्योंकि उनका आखिरी लेसन था। और अब मुझे ये बात भी पता चल गई थी, समझ आ गई थी कि जो देहाती लोग थे वो कमरा जमात में क्लासरूम में क्यों पीछे बैठे हुए थे, और इन लोगों की मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती थी और इस बात को इंडिकेट करने के लिए वो यहाँ पे जमा थे कि उनको अफसोस है कि वो मदरसे क्यों नहीं आए, कभी स्कूल क्यों नहीं आए, कभी उन्होंने कुछ सीखा क्यों नहीं। और उनको ये अपने टीचर को ट्रिब्यूट पेश करने का एक तरीका था, उनको एक एजाज़ देने का तरीका था, उनकी इज़्ज़त अफजाई करने का तरीका था, ये उनको बताने का एक तरीका था कि उनकी जो 40 साल जो उनकी जॉब है, जो उनकी खिदमत है, सर्विसेज हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, तमाम जितने भी देहाती हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए थैंकफुल हैं, और इसी वजह से वो यहाँ पर लेके आए हैं, मतलब अपने वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं। एक तो वो रिग्रेट, मतलब उनको इस बात का अफसोस है कि वो क्यों नहीं पहले स्कूल आए, उनको सीखना चाहिए था, और दूसरी बात यह है कि वो थैंक करने आए हैं अपने इस वफादार टीचर को, और वो इस सरजमीन के लिए मतलब सल्यूट कर रहे थे और इज़्ज़त कर रहे थे और बिल्कुल ही अदाब बजा ला रहे थे, इसकी इज़्ज़त कर रहे थे जिसकी सल्तनत अब रुख्सत हो रही थी। यानी कि जाहिर सी बात है जब जर्मनी ने इन दो इलाकों पे कब्ज़ा किया तो ऑब्वियसली अब वो जो पुरानी फ्रेंच सल्तनत है और उसके जो रूल्स और कवायद है वो तो ख़त्म हो जाएंगे ना, अब जो नए जो काबिज़ लोग हैं उन्हीं की जो है हुकूमत होगी। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए, जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करनी है। अरेड इन संडे गाब, यानी कि जो बेहतरीन लिबास पहनना या उस लिबास में आना, ठीक है, और प्रेजेंस मौजूदगी है, ठीक है, रिग्रेट मीन अफसोस होना, और ऑफनर अक्सर, ठीक है जी, और रिस्पेक्ट्स मतलब अपना मजबूत इज़्ज़त पेश करना उनके सामने, उनका अदब करना, और एम्पायर सल्तनत है और डिपार्टिंग जो है ना वो रुख्सत होती है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब इसको नेक्स्ट आगे पैराग्राफ को लेके चलते हैं हम। I was busied with these reflections when I heard my name called. It was now my turn to recite. Oh, what would I not have given then had I been able to repeat from beginning to the end that famous rule for the use of participles loudly, distinctly, and without a single mistake. But I became entangled in the first few words and remained standing at my seat, swinging from side to side, my heart swelling. I dared not raise my head. Monsieur Hamel was addressing me. I shall not, child, thee, my little friends. Thy punishment will be great enough. So it is. We say to ourselves each day, bah, I have time enough. I will learn tomorrow. And now see what results. It has ever been the greatest misfortune for our Alsace that she was willing to put off learning till tomorrow. And now these foreigners can say to us, and justly, what you profess to be a Frenchman, and can neither speak nor write your own language. And in all this, my poor friends, you are not the chief culprit. Each of us has something to reproach himself with. तो यहाँ पर अब क्या है कि शुरू में जब टीचर ने कहा कि तुम ऊंची ऊंची आवाज़ में अब अगले जो रूल्स हैं वो पढ़ो, ठीक है, तो मैं इन्हीं ख्यालात में गुम सुन था कि जब मुझे अचानक से मेरा नाम पुकारा गया और मुझे कहा कि अब तुम्हारे पढ़ने की बारी है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मैं पार्टिसिपल्स का जो रूल है यानी जो कवानीन है वो मैं ऊंची आवाज़ में वाज़ अल्फाज में एक भी गलती के बगैर मुझे दोहराना चाहिए था, लेकिन मैं दोहरा नहीं पाया, ठीक है, और अगर मैं दोहरा देता तो मैं काश तक दुनिया की सारी दौलत और जितनी भी चीज़ें होती मैं इसके बदले दे सकता था, लेकिन पहले मतलब ये कि उसको इतना ज़्यादा ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है कि मैं अगर उस टाइम पे मेरे टीचर ने मुझे कहा कि तुम ये आवाज़ ऊंची आवाज़ के साथ ये सारी चीज़ें बयान करो तो मुझे ये चाहिए था कि बगैर किसी गलती के इसको बयान करता, और चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया को ही वार देना पड़ता, ठीक है, लेकिन पहले तो मैं
कहीं और उलझा हुआ था, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर क्या हुआ कि मैं थोड़े से अल्फाज बोले और उसी में फंस के रह गया, और फिर मैं अपनी सीट पे वहीं खड़ा हो गया, इधर उधर हिलता था जैसे बच्चे पढ़ते हुए इधर दाएं बाएं हिलते ना, वैसे ही खड़ा रह गया। और मेरा दिल जो है वो स्वेलिंग यानी बहुत भोजल था, जैसे इंसान बहुत तेज़ से दिल धड़कता है और उसके बाद एकदम से दिल लगता है भर जाता है जिसके अंदर, भोजल हो जाता है। और मुझे अपना सर जो है ना ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं थी। और ये तो मेरे ख्याल से मंजर आप लोगों ने अक्सर क्लासरूम से देखा होगा। और एनी हाउ नेक्स्ट क्या है कि मिस्टर हेमल मुझे पुकार रहे थे, इसी इस नामे मैंने उनकी बात सुनी। अगले पैराग्राफ में मिस्टर हेमल सारी बातों, मतलब टीचर अक्सर क्या करते हैं इस मौके पे बच्चों को डांटते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरी अपनी भी गलती है, ठीक है, बल्कि हम सब की गलती है कि हम लोगों ने अपनी फ्रांसीसी जुबान को इस काबिल ही नहीं समझा। तो अगला पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक छोटी सी बात भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो क्या कहा प्रोफेसर ने कि यहाँ पे मास्टर साहब ने क्या कहा, मेरे नन्हे फ्रांस मैं तुम्हें ही बुरा बुरा भला क्यों करूँ, ठीक है, कि तुम्हारी सज़ा तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी ना। तो है ये कि हम लोग हर रोज़ अपने आप से खुद ही ये कहते थे कि मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, मैं कल सीख लूँगा, कल सीख लूँगा। और अब देखो इसका क्या रिज़ल्ट हुआ है कि हमारे अलसाज यानी कि जो हमारा कस्बा है, जो हमारा इलाका है, इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती यही रही है कि हमेशा हम लर्निंग को कल पे डालते रहे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है। और अब ये जो गैर मुल्की लोग ये जो आए हैं हम पे काबिज हो गए हैं, ये हमें, और बिल्कुल ठीक तरीके से वो कहेंगे, मतलब उनको इस बात कहने का हक भी है क्योंकि हम लोगों ने ये गलतियाँ की हैं, वो हमें ये कह सकते हैं अरे तुम तो कहते हैं अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो बड़े फ़खर से कि हम फ्रांसीसी लोग हैं, लेकिन तुम्हें अपनी ज़बान बोलनी भी नहीं आती और अपनी ज़बान लिखनी भी नहीं आती, ठीक है। और मेरे बेचारे फ्रांस इस सारे काम का तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, तुम ही सबसे बड़े मुजरम नहीं हो कि तुम्हें ये नहीं आता, ठीक है। पछताने के लिए हम सब के पास कुछ ना कुछ है, यानी कि हम जितने भी लोग हैं हम सब ही इसमें इन्वॉल्व हैं वन वे और दी अदर, यानी हम सब ही इसमें मुजरम हैं, ठीक है। बेटा ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के वर्ड्स लिंक्स आ रहे हैं, इसको काइंडली साथ साथ नोट डाउन कर दीजिएगा। अच्छा, अब आपको क्या लगता है अगर मैं इस बात को रिलेट करूँ अपनी पाकिस्तानी ज़ुबान, यानी कौमी ज़ुबान हमारी कौन सी है, उर्दू, तो क्या हम लोग, आप लोग उर्दू जब पढ़ते हैं तो हम लोग उर्दू की क्लास को बिल्कुल ईजी नहीं लेते, उसकी क्लास में हम साइंसेस की बुक्स खोल के बैठे हुए होते हैं, या हम और सब्जेक्ट्स को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, या कोई होमवर्क मिला हुआ होता है, या हम गॉसिप्स कर रहे होते हैं, ओहो उर्दू तो बहुत आसान है, आखिर में बंदा पेपर में थोड़ा सा पढ़ के तैयारी करके कर लेगा। और जब इवन अब यकीन जाने मैंने उर्दू की क्लास भी पढ़ाई हुई आप लोगों की, मुझे उर्दू भी मिली है 2-3 साल में, और उर्दू के अंदर बच्चों की वो गलतियाँ हैं, इमला की गलतियाँ हैं, लिखने की गलतियाँ हैं, और बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं कि हम शर्मिंदा होते हैं कि कौमी ज़बान हमारी उर्दू है। एक ज़माना हुआ करता था कि कहा जाता था कि गवर्नमेंट इदारों के जो बच्चे हैं उनका और कोई सब्जेक्ट अच्छा हो ना हो उनकी उर्दू बहुत अच्छी होती है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी उर्दू जो है ना वो तनज़ुली का शिकार है, ना हम सही तरीके से बोल सकते हैं, ना हमारा तलफ़ुज़ सही है, उसके अंदर हम लोगों के लहजे झलकते हैं, ठीक है, और दूसरी बात ना ही हम लोग उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आके हमसे कह सकता है, हम तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना हम पाकिस्तानी कौम है, हमारी ज़ुबान उर्दू है और ये है वो है ब्ला ब्ला, बट क्या है एक्चुअली कि हम लोग उर्दू को सही तरीके से बोल नहीं सकते, गुलाबी उर्दू भी सही नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। तो हमारे लिए इस लास्ट लेसन में एक बहुत बड़ा लेसन पोशीदा है एज अ पाकिस्तानी नेशन, ठीक है। हमें भी ये देखना चाहिए कि क्या हम पे वो आखिरी दिन जब आ जाएगा तब हम अफसोस करने के सिवा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कौमें जब बनती हैं वो अपनी ज़ुबान की वजह से ही बनती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये आगे जब हम चैप्टर को प्रोसीड करेंगे तो आप वन बाय वन इसको देखते जाओगे। अब नेक्स्ट अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं जी, योर पेरेंट्स हैव नॉट शोन इनफ एंजाइटी अबाउट हैविंग यू एजुकेटेड, दे प्रेफर टू सी यू स्पिनिंग और टिलिंग द सॉयल सिंस दैट ब्रॉट देम इन अ फ्यू मोर सॉस, या सॉस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। And have I nothing with which to reproach myself? Did I not often send you to water my garden when you should have been at your tasks? And if I wished to go trout fishing, was my conscience in the least disturbed when I gave you a holiday? One topic leading to another, Monsieur Hamel began to speak of the French language, saying it was the strongest, clearest, most beautiful language in the world, which we must keep as our heritage, never allowing it to be forgotten.
telling us that when a nation has become enslaved, she holds the key which shall unlock her prison as long as she preserves her native tongue. तो मिस्टर हैमल जो है अभी मज़ीद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम लोगों के वालदैन को कभी तुम लोगों को तालीम दिलाने का कोई शौक़ ही नहीं था, ठीक है। उन्होंने कभी इसमें बेचैनी और यानी एनजाइटी ही नहीं शो की, उन्होंने उनको कोई फिक्र ही नहीं थी, ठीक है। उनकी यही तरजीह थी कि तुम फसलें काटते रहो, ज़मीन में हल चलाते रहो, जैसे कि हमारे भी देहात में होता है ना, ठीक है। अब तो खैर काफ़ी बेहतरी आ गई है, लेकिन स्कूल में क्या होता था, लोग जब गंदम काटने का मौका आ रहा था स्टूडेंट्स वहाँ जा रही हैं, ठीक है, बच्चे खासकर बॉयज़ और बच्चियां भी घर में हेल्प करा रही होती हैं, और कि उससे उनको पैसे मिलेंगे, पढ़ाने से कौन से पैसे मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर टीचर भी आपने गांव देहातों में देखे होंगे अक्सर, वो आपने देखा होगा टीचर सिलाई कढ़ाई कर रही हैं या बच्चियां लहसुन छील रही हैं, प्याज काट रही हैं या कुछ इस तरह के काम कर रही हैं, या प्रीवियस ज़माना में बातें थी भी, तो अब तो हर काफ़ी चेंजेस हैं। तो वो जो अब यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि इनके साथ भी यही मामला, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, उन्होंने तुम्हें खेतों में हल चलाने के लिए और इस चीज़ की तरफ भेज दिया ताकि उनको मज़ीद पैसे मिल जाएं, और उनको ही मैं क्यों इल्ज़ाम दूँ, मेरे अपने पास ही पछताने के लिए कुछ नहीं है क्या, जब तुम लोग अपने काम में यानी कि तुम लोग को क्लासरूम में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए था, तो मैंने तुम्हें अपने बाग में भेज दिया कि मेरे जाओ के पौधों को पानी दे आओ, ठीक है। मैंने क्या तुम्हें अपने बाग में नहीं भेजा, और अगर मेरा दिल ट्राउट मछली खाने का था तो मैं मछली यानी फिशिंग करने चला गया, शिकार मछली का करने चला गया, और फिर मैंने क्या किया तुम्हें उस टाइम, मैंने जल्दी छुट्टी दे दी, ठीक है। और ऐसा करते हुए क्या मेरे दिल में ज़रा सी भी ख्वाहिश थी कि मैंने तुम लोगों को छुट्टी क्यों दी, मैंने तुम लोगों को जल्दी क्यों जाने दिया, ठीक है। यानी कि वो खुद को भी मलामत कर रहा है, सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा। और फिर एक बात से दूसरी बात निकलती चली गई, और मिस्टर हैमल ने फ्रांसीसी ज़बान की जब बात शुरू की यानी फ्रेंच के ऊपर बात, पहले तो उसने क्या किया, उसने अफसोस किया, ठीक है। जब फ्रांस को नहीं आया पढ़ना तो उसने सिर्फ फ्रांस को नहीं डांटा, उसने कहा कि हम सब भी जो है ना गलत हैं, हम सब ने भी टाइम वेस्ट किया है, और अपने आप को मलामत की, फिर अपने उनके वालदैन को भी उसने मलामत की, फिर अपने आप को भी पर्सनली भी उसने मलामत की, ठीक है। और अब उसने फ्रेंच के ऊपर बात करना शुरू की तो कहने लगा कि ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत तरीन, वाज़ह तरीन, हसीन तरीन ज़बान है। ज़ाहिर सी बात है हर बंदे को अपनी जो नेशनल लैंग्वेज होती है वो बहुत अजीज़ होती है, और उसकी जितनी भी तारीफ वो करे वो कम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब ये फ्रांसीसी ज़बान की तारीफ कर रहा है, और हमें अपने वरसे के तौर पर ज़रूर इसको कायम रखना चाहिए, हेरिटेज वरसे के तौर पर, ठीक है। और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, फरामोश नहीं करना चाहिए, इसको भुला नहीं देना चाहिए। और अब ये जो बात उसने की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने भी एसी की थी बेटे, तो मुझे भी ये बात उस वक्त से आज तक ये बात याद है, ठीक है। ये बात उसने क्या की है कि जब कोई कौम गुलाम बन जाती है, ठीक है, लेकिन गुलामी में भी अगर वो अपनी ज़बान को महफूज रखे, तो ये ज़बान ही वो चाबी बन जाती है जिससे वो अपनी गुलामी के कैदखाने का दरवाज़ा वो खोल सकती है वो कौम, ठीक है। लेकिन क्या है इसके लिए, जब तक कि वो अपनी कौमी अपनी मुकामी ज़बान को बरकरार रखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज के दौर में हम लोग अपनी लैंग्वेज को अपनी ज़ुबान को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है कि उर्दू जो है एक ऐसी ज़बान है कि जिसके अंदर आपके पास ये एबिलिटी है कि बाकी ज़बानों को बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी तो अल्फाज का इस्तेमाल ना हो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का कि हमें लगे कि ये हम इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन इसमें कहीं कहीं उर्दू के अल्फाज आ रहे हैं, और एटलीस्ट हमें लिखनी आनी चाहिए। और जब हम उर्दू का पेपर अटैम्प्ट करें तो हम उसमें टोटल उर्दू में बात करें, टोटल उर्दू होनी चाहिए हमारे पास, उसको सही से लिखा जाए, उसकी क्लास में सही से बोला जाए, ठीक है। और नॉर्मल जो हमारे अंदर है उर्दू के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ भी आती रही है वक्तन फ़वक्तन, लेकिन उर्दू का वो जो मयार था वो आहिस्ता आहिस्ता तनज़ुली का शिकार होना शुरू हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये चैप्टर या जो भी मैं इंग्लिश के आपको लेसन पढ़ा रही हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको उर्दू ज़बान में अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ, क्योंकि जब तक हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, इसको हम अपने पर्सपेक्टिव के अंदर नहीं देखेंगे, तो हम ओवरऑल इस डिफरेंट सिनारियों के अंदर इसको लेकर नहीं चल सकते। तो बेटे आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर जो बाकी चीज़ें बच चुकी हैं, अभी नेक्स्ट जो आगे क्या कहेंगे और उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा और लास्ट में क्या होने वाला है और उस लास्ट सेंटेंस का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अपने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, और इसके अंदर जो जो बातें जिस पैटर्न के अंदर चली है कि शुरू में ये पिछले दोनों लेक्चर यानी पिछला और ये वाला लेक्चर है, आपने अच्छे से नोट करना है। मैंने इंशाल्लाह क्लास में आप लोगों से इसका रिव्यू लेना है कि शुरू में उसने क्या ऑब्जर्व किया अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, और कैसे उसको बाद में इन चीज़ों का जवाब भी मिला,
और हर एक पैराग्राफ के अंदर फिर जब मास्टर हेमल बोलना शुरू हुए तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की अभी तक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।